सर, वेरी वेरी इवनिंग बाबू लोग, कैसे हैं आप लोग? सब लोग मजे में हैं? प्रताप जी, रूबी जी, सौरभ जी, शुभांग जी, सब लोग ठीक हैं? बहुत अच्छी बात है। तो आज हम लोग स्टार्ट करें दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के संदर्भ में। दिल्ली सल्तनत के जहानाबाद नरेश गुड्डूलाल जी, दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के संदर्भ में चर्चा करते हैं और उसका सांस्कृतिक विरासत क्या था। हालांकि सबके बारे में कुछ ना कुछ ऑलरेडी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज दिल्ली सल्तनत को आगे बढ़ाया जाए। खुशबू जी, पंकज जी, रोशन जी, रौनक परवीन जी, पंकज बाबू मधेपुरा से आइए, सब लोग आ जाइए। हमने कहा पहला क्वेश्चन आया कि दिल्ली सल्तनत का केंद्रीय प्रशासन जो सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसी था वह अब्बासीय, अब्बास के खलीफा, खलीफा अब्बासीय खलीफा जो बगदाद का खलीफा था उसके प्रशासनिक व्यवस्था पर आधारित था। अब्बासीय खलीफा के प्रशासनिक व्यवस्था पर आधारित था। केंद्रीय प्रशासन में सुल्तान का सबसे प्रमुख स्थान था। जब ये सुल्तान आएगा सबसे प्रमुख स्थान, तो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों के प्रधान सुल्तान हुआ करते थे। अब देखो वर्तमान परिप्रेक्ष्य से जोड़ेंगे तो कार्यपालिका के प्रधान राष्ट्रपति, कार्यपालिका के प्रधान राष्ट्रपति संजीव बाबू, लेकिन कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान मानस जी प्रधानमंत्री, व्यवस्थापिका का प्रधान प्रधानमंत्री और न्यायपालिका का प्रधान सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन दिल्ली सल्तनत के काल में जो सुल्तान थे वो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों के प्रधान हुआ करते थे। अब आइए, सुल्तान को सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती थी। आज भी चले, आज भी यह परंपरा लागू है। प्रधानमंत्री को कॉपरेट करने के लिए, प्रधानमंत्री को सलाह मशवरा देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होता है। एक क्या है भाई? मंत्रिपरिषद होता है। क्वेश्चन पूछेगा इस मंत्रिपरिषद में कई मंत्री होते थे। पहले तो ये ले ले किस पर व्यवस्थातीत अब्बास के खलीफा के प्रशासनिक व्यवस्था पर आधारित था। एक को क्लियर, मिस्टी जी, विक्की जी, मुकेश बाबू, केंद्रीय प्रशासन में सबसे प्रधान कौन था भाई? सुल्तान था, जो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों के प्रधान होते थे। हो गया, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों के प्रधान होते थे। अब देखो भाई, सौरभ तिवारी का खिलजी वंश के बाद पीडीएफ फाइल नहीं मिला है, दुख के साथ। जो खिलजी वंश का पीडीएफ फाइल है, आप जो डाउनलोड कर लिए हो उसको डिलीट कर देना, उसको डिलीट कर देना और फिर से एप्लीकेशन पर जो स्टडी मटेरियल है उसके पीडीएफ फाइल को फिर से डाउनलोड कर लेना। जो खिलजी बात के बाद, खिलजी के बाद जो तुगलक है, सैयद है, लोदी है और दिल्ली सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था है, विजयनगर बहमनी साम्राज्य वाला व्यवस्था है, यह सब डाउनलोड कर दिया गया, सब अपलोड कर दिया गया है। आप पुराने पीडीएफ को डिलीट कर देंगे, आप फिर से पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे तो पूरा दिल्ली सल्तनत एक साथ मिलेगा, 14 पेज का मिलेगा। पूरा दिल्ली सल्तनत 14 पेज का मिलेगा। हो गया रोशन बाबू, आगे बढ़ते हैं भाई। सुल्तान कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के सर्वोच्च होते थे। सुल्तान को सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद, सुल्तान को सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद। अब देखो यह जो मंत्रिपरिषद थे इसमें कई प्रकार के मंत्री होते थे, कई विभाग होते थे। जियाउद्दीन बरनी ने दिल्ली सल्तनत के मुख्य 4 विभाग को 4 स्तंभ माना।
जियाउद्दीन बरनी ने चार विभाग को चार स्तंभ माना, जिसमें पहला था दीवाने वजारत, दीवाने वजारत, दीवाने वजारत। अब देखो दीवाने वजारत क्या था, तो वजीर था जो सुल्तान के बाद का प्रमुख पद होता था, प्रधानमंत्री का पद था, जो सुल्तान की अनुपस्थिति में उनके कार्यों का संचालन करता था। सुल्तान के बाद दूसरा सर्वोच्च पद वजीर का होता था, जो प्रधानमंत्री की तरह था, सुल्तान की अनुपस्थिति में सुल्तान के कार्यों का निपटारा कौन करता था, दीवाने वजारत, जिसके प्रधान क्या थे भाई, वित्त वजीर थे। अब क्वेश्चन पूछेगा दीवाने वजारत कैसा विभाग था, तो वित्त विभाग था। दीवाने वजारत कैसा विभाग था, वित्त विभाग था। बहुत से वजारत, बहुत से वित्त विभाग, बहुत से वजारत, बहुत से वित्त विभाग था। क्वेश्चन में पूछेगा कि इसके प्रधान कौन थे बाबू, इसके प्रधान वजीर होते थे, जो सुल्तान के बाद दूसरा सर्वोच्च अधिकारी था, सुल्तान के बाद दूसरा सर्वोच्च अधिकारी था। अब देखो वजीर बराबर प्रधानमंत्री, वजीर बराबर प्रधानमंत्री सुल्तान की अनुपस्थिति में राजस्व विभाग के साथ साथ सामान्य प्रशासन को भी देखरेख करता था। नेहा बाबू, रोशन जी, अब ध्यान से सुनिएगा, जितना क्वेश्चन बनता है बेटा उस पर देना पास कर जाएगा। अब नव भारत काल आधुनिक भारत काल से भी आगे है, क्या जरूरी है, बिहार पुलिस का सिलेबस देखिएगा तब माथा घूम जाएगा। मैथ में, हिंदी में, इंग्लिश में, जीके जीएस में जो सिलेबस दिया है आयोग के द्वारा, यदि उस सिलेबस से पढ़ेगा ना तो तू बेटा बिहार पुलिस नहीं बनेगा लेकिन यूपीएससी क्रैक कर लेगा। दो बार एग्जाम हो चुका है बिहार पुलिस वाला नया सिलेबस से, देखिएगा जरा नया सिलेबस को मिला के। भैया आपका रिजल्ट मेरी पहली वरीयता है, रिजल्ट कैसे होगा वो हम जानते हैं, हमको पता है कि किस डायरेक्शन में आपको लेके चलेंगे तो रिजल्ट होगा। उसमें इंडियन पॉलिटी में देखिएगा तो माथे घूम जाएगा, हिंदी में पूरा का पूरा हिंदी उठा के दे दिया है, इंटर का चैप्टर उठाया और सब डाल दिया है, इंग्लिश में या जीके जीएस में इंटर का सिलेबस उठाया है सब डाल दिया है। तो भैया उतना से नहीं पूछता है, आप देखो उतना से नहीं पूछता है। अब देखो बाबू क्वेश्चन पूछेगा वजीर क्या है भाई, सुल्तान के बाद सर्वोच्च अधिकारी जो वजीर राजस्व विभाग वित्त विभाग के साथ साथ समान प्रशासन में भी योगदान देता था। क्वेश्चन पूछेगा वजीर के कार्यों को सहायता देने के लिए नायब वजीर होता था, वजीर के कार्यों को सहायता देने के लिए नायब वजीर होता था, जिसमें दो अधिकारी होते थे, एक कौन मुस्तफी और एक कौन मुशरिफ। फिर से सुनिएगा, सुल्तान के बाद दूसरा प्रमुख पद वजीर का, जो वित्त विभाग राजस्व विभाग जो प्रधानमंत्री थे सुल्तान की अनुपस्थिति में उनके कार्यों का संचालन करते थे। इस वजीर का चूंकि कार्य बहुत बड़ा होता था तो वजीर को सहायता देने के लिए एक क्या होता था, तो नायब वजीर होता था। नायब वजीर के अधीन दो अधिकारी होते थे, पहला मुस्तफी और दूसरा मुशरिफ। पहला मुस्तफी, देख भैया मुस्तफी एक्सपेंशन का खर्च का ब्यौरा रखता था, जबकि मुशरिफ आय का इनकम का ब्यौरा रखता था। मुशरिफ आय का, मुस्तफी खर्च का, मुस्तफी खर्च का और मुशरिफ आय का ब्यौरा रखता था। ऐसे सुनिएगा, वजीर को सहायता देने के लिए नायब वजीर, नायब वजीर के अधीन कितने दो अधिकारी, नायब वजीर के अधीन दो अधिकारी, नायब वजीर के अधीन दो अधिकारी, एक था मुस्तफी जो खर्च, मुस्तफी खर्च, मुस्तफी खर्च, आ मुशरिफ क्या था आय का हिसाब रखता था। अब चलते हैं, या तो पहला हो गया दीवाने वजीरात, जिसके प्रधान कौन थे वजीर होते थे, दूसरा आते हैं दीवाने अर्ज। देखो भैया दीवाने अर्ज से क्वेश्चन पूछेगा कि दीवाने अर्ज की स्थापना किसने किया, बलबन ने। दीवाने अर्ज को पुनर्स्थापित किसने किया, अलाउद्दीन खिलजी ने। दीवाने अर्ज की स्थापना बलबन ने, दीवाने अर्ज को पुनर्स्थापित किसने किया, अलाउद्दीन
खिलजी के द्वारा। या क्या था भाई, एक सैन्य विभाग था, दिल्ली सल्तनत में सेना को तीन भागे बांटा गया, हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। तो हस्ती सेना, अश्व सेना और पैदल सेना। हस्ती सेना के प्रमुख अधिकारी साना ए पिल या फिल कहा गया, साना मिसप्रिंट है, साना ए पिल कहा जाता है, पिल मतलब हाथी, साना ए पिल कहा गया। हाँ मुस्तफी क्या हो गया भाई, मुस्तफी हो गया व्यय का, आ मुशरिफ हो गया खर्च का। मुस्तफी हो गया व्यय का, एक्सपेंशन का, कितना आप खर्च कर रहे हो तो मुस्तफी उसकी डेटा रखेगा, आ कितना कमा रहे हो तो मुशरिफ डेटा रखेगा। अब देखो बाबू, अश्व सेना जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था, अश्व सेना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था क्योंकि अश्व सेना के बदौलत ही दिल्ली सल्तनत को मजबूती दिया गया। अश्व सेना को, अश्व सेना को, घोड़सवारी सेना को दिल्ली सल्तनत का रीढ़ माना जाता है। क्या माना गया, दिल्ली प्रशासन का रीढ़ माना गया। और अश्व सेना के प्रधान को अमीर ए आखुर, खुर जमा तो घोड़ा का खुर, घोड़ा का खुर, तो अमीर ए आखुर, अमीर ए आखुर अश्व सेना के प्रधान, अमीर ए आखुर हो गया सबसे प्रमुख सेना, प्रशासन की नींव, प्रशासन का रीढ़ अश्व सेना, अमीर ए आखुर। हाथी सेना का प्रधान पिल, साना ए पिल, साना ए पिल कहेंगे। अब देखो बाबू, पैदल सेना को प्यादा कहा जाता है, पैदल सेना को क्या कहते हैं, प्यादा कहा जाता है। पैदल सेना क्या हुआ, प्यादा कहा गया। अब देखो निश्चित रूप से उस समय भी लोक लेखा समिति था जिसमें मुस्तफी खर्च मुशरिफ आई, मुस्तफी खर्च मुशरिफ आई। अब देखो अविनाश कुमार जी, हेलो बाबू, चलिए बहुत अच्छी बात है, हेलो सर, हेलो बाबू, राघव बाबू यहाँ पर कोई बफरिंग नहीं कर रहा है बुआ, चलो ध्यान से सुनिएगा। तो दूगो विभाग हो गया, पहला क्या बताए, दीवान ए वजीरात, दीवान ए वजीरात, और दूसरा क्या था, दीवान ए अर्ज। दीवान ए वजीरात के प्रधान वजीर हो लेते थे, दीवान ए वजीरात अलाउद्दीन खिलजी, दीवान ए अर्ज बलबन जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने दोबारा स्थापित किया। दीवान ए इंसा अलाउद्दीन खिलजी जो शाही पत्राचार विभाग थे, अब देखो पत्राचार विभाग, शाही पत्राचार विभाग दीवान ए इंसा थे, खोज स्थापना कौन किया था, अलाउद्दीन खिलजी, स्थापना कौन किया था, अलाउद्दीन खिलजी। अब इस विभाग का काम क्या था, सुल्तान के आदेश को लिपिबद्ध करना और उसे प्रेषित करना, उसे अन्य राज्यों में या विदेशी राज्य में भेजना, विदेशों से पत्राचार विभाग करता था। विदेश मतलब दिल्ली सल्तनत के बाहर के क्षेत्र को विदेश कहेंगे, दिल्ली सल्तनत के बाहरी क्षेत्र को क्या कहेंगे, विदेश जो दिल्ली सल्तनत के सीमा में नहीं है। तो दीवान ए इंसा की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद दीवान ए रसालत या रियासत, या देखो दीवान ए रसालत होगा तो यह क्या था भाई, धार्मिक विभाग था जिसके प्रधान सदर उस सुदूर कहा गया, सदर उस सुदूर कहा गया। अब देखो सदर उस सुदूर धार्मिक विभाग के साथ साथ न्यायिक विभाग का भी प्रधान होता था, क्योंकि उस समय धर्म और न्याय एक साथ था, अब्बासी खलीफा से संबंधित थे तो धर्म और न्याय को एक साथ रखा गया था। देखो बाबू यहां पर क्वेश्चन पूछेगा, सदर उस सुदूर धार्मिक विभाग के साथ साथ न्यायिक विभाग के प्रधान थे, जब वह न्यायिक विभाग के तरह काम करता था तो उसके विभाग को दीवान ए कजा कहा गया और उसके प्रधान को काजी उल कुजात कहा गया। देखो भैया एक के अलाउद्दीन खिलजी बार रिवीजन करवा दीजिए, एक बार रिवीजन करवा दीजिए, चलो ठीक है। हमको लगा एक के मतलब अलाउद्दीन खिलजी लिख रहा है, तो हमने कहा दीवाने, ध्यान सुनिएगा, दीवाने रसालत जो धार्मिक विभाग, लेकिन धार्मिक विभाग को ही न्यायिक विभाग भी कहा गया, प्रधान थे सदर उस सुदूर जो धार्मिक और न्यायिक दोनों काम करता था। जब वह न्यायिक का काम करता था तो उस विभाग को
दीवान ए कजा कहा गया और उसके प्रधान को काजी उल कुजात कहा गया, काजी उल कुजात कहा गया, हो गया काजी उल कुजात कहा गया। क्वेश्चन में आया था, हाँ बीपीएससी में आता है भैया, रवि रंगर जी बीपीएससी में सब आता है। राज दरबार से कुछ जुड़े हुए अन्य अधिकारी देखेंगे, तो वकील ए दर, वकील ए दर, वकील ए दर। देखो भैया, सुल्तान के दैनिक कार्यों का देखरेख करता था, वकील ए दर सुल्तान के दैनिक कार्यों का देखरेख करता था, मतलब प्रत्येक दिन का पीए हुए। वकील ए दर क्या है? पीए है, सचिव है, जो सुल्तान के दैनिक कार्य, कल कहां कहां जाएंगे सुल्तान, किस किस से मीटिंग है, किस किस से असाइनमेंट लिया लेना है, तो यह क्या था भाई, यह पीए कहेंगे, पब्लिक असिस्टेंट कहेंगे। वकील ए दर ही कारखाना में काम करने वाले दासों की भी देखरेख करते थे, हालांकि फिरोज शाह तुगलक ने दास के लिए एक अलग विभाग बना दिया, दीवाने बंदगान, दीवाने बंदगान। अब देखो बारबक क्या था भाई, तो बारबक ध्यान से सुनिएगा, बारबक क्या था, यह दरबारी शिष्टाचार के लिए उत्तरदायी था, सामंतों को उनके पदों के अनुरूप स्थान प्रदान। बारबक क्या था कि देखो आपका सीट ये है, आपका सीट ये है, आपका सीट ये है, आपका सीट ये है, जिसको जहां सीट है वही वो जाके बैठेगा, तो दरबारी शिष्टाचार या दरबारी अनुशासन को बनाकर रखने में बारबक। अब देखो क्वेश्चन का, सुल्तान का दैनिक कामकार कौन देखता था? वकील ए दर, वकील ए दर। दीवाने वजीरात किसकी देन है? तो इल्तुतमिश की देन है। वजीर किसकी देन है? इल्तुतमिश की देन है। और बताए थे इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी नसरुद्दीन ने अपने, नसरुद्दीन महमूद ने, जो इल्तुतमिश का बड़का बेटवा था, नसरुद्दीन महमूद ने अपने वजीर, अपने काल में वजीर के पद पर वलबन उर्फ उलुग खान की नियुक्ति किया। धीरे धीरे उन्होंने, उलुग खान ने, बलबन ने अपनी बेटी से विवाह कर दिया नसरुद्दीन महमूद को, और महमूद को कहा कि आप घर में बैठिए, हम जरा बाहरी, हम बाहरी चीज को देख लेते हैं, हम बाहरी चीज को देख लेते हैं। धीरे धीरे बलबन अपना शक्ति में वृद्धि करता चला गया। दामाद के मरते ही 1266 में बलबन ने खुद सुल्तान बना और बलबनी वंश की स्थापना किया। हो गया, चलो बहुत अच्छी बात है। अब देखो क्वेश्चन बारबक भी हो गया, बारबक क्या था भाई, दरबारी शिष्टाचार को बना के रखता था। अब चलते हैं दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक इकाई। रोशन बाबू ध्यान से सुनिएगा, हमने आपको कहा कि सुल्तान सल्तनत, सल्तनत का कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के प्रधान सुल्तान होते थे। पूरे साम्राज्य को, पूरे सल्तनत को कई प्रांत में बांटा गया, सल्तनत को कई प्रांत में बांटा गया। प्रांत को क्या कहते हैं? इकतादा, इकता कहा गया, बड़ी सुंदर चीज है। प्रांत को क्या क्या गया भाई? प्रांत को राज, देश को सल्तनत कहा गया, सुल्तान इसके प्रधान हो गए। देश को बांटा गया राज्य में, राज को प्रांत कहेंगे, दिल्ली सल्तनत के काल में इसे इकता कहेंगे, इकता के प्रधान को क्या कहेंगे? इकतादार कहेंगे। ध्यान से सुनिएगा, इकतादारी व्यवस्था की शुरुआत इल्तुतमिश के काल में अलाउद्दीन खिलजी ने उसे समाप्त किया था। अब देखो इकतादारी व्यवस्था में क्या था कि पदाधिकारियों को नगद वेतन के बदले भूमि अनुदान दिया जाता था, छोटे इकतादार को इकतादार, अब बड़े इकतादार को मुक्ति कहा गया, बड़े इकतादार को क्या कहेंगे? मुक्ति कहा गया। हो गया, अब क्वेश्चन पूछेगा प्रांत को जिला में, जिला के लिए शब्द है सिख, जिला के लिए शब्द क्या है? सिख, और सिख के प्रधान सिखदार हुए। जिला को फिर प्रखंड में, जो गांव का समूह था, सिख को परगना में, और परगना के प्रधान को आमिल कहा गया। यह सब ध्यान से सुनिएगा, यह सब याद करना है। अब देखो प्रखंड को कई गांव में, गांव के प्रधान को क्या कहेंगे? गांव को कहेंगे ग्राम, और गांव के प्रधान को खुद मुकद्दम चौधरी पटवारी, जिसमें मुकद्दम था मुखिया, मुकद्दम क्या था? मुखिया। अब इसको तोड़ के बढ़िएगा तो बढ़िया मजा आएगा। दिल्ली सल्तनत के काल में प्रशासन की
सबसे छोटी इकाई गांव थी, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी। कई गांव मिलाकर प्रखंड बना, कई प्रखंड मिलाकर जिला बना, कई जिला मिलाकर राज्य बना, कई राज्य मिलाकर सल्तनत बना। नीचे चले, कई ग्राम मिलाकर परगना बना, कई परगना मिलाकर सिख बना, कई सिख मिला मिलाकर एकता बना, और कई एकता मिलाकर सल्तनत बना। हो गया, यहां तक आया समझ में? फिर से सुनिएगा, दिल्ली सल्तनत को विभिन्न प्रांत में बांटा गया था और विभिन्न प्रांत के लिए एकता शब्द का प्रयोग किया गया। फिर प्रांत को जिला में बांटा गया था, जिला के लिए सिख शब्द का प्रयोग किया गया। जिला को प्रखंड में, प्रखंड के लिए परगना शब्द का प्रयोग किया गया, और प्रखंड को गांव में, गांव के लिए ग्राम शब्द का प्रयोग किया गया है। हो गया, अब अर्थव्यवस्था देखते हैं भाई। इस काल में अर्थव्यवस्था कैसी थी भाई? कृषि पर आधारित था। इस काल में अर्थव्यवस्था किस पर आधारित था? कृषि पर आधारित था। क्वेश्चन में पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत में अर्थव्यवस्था कृषि पर, कृषि योग्य भूमि को स्वामित्व के आधार पर, मतलब मालिकाना हक के आधार पर तीन भाग में बांटा गया। पहला खालसा भूमि, दूसरा एकता भूमि, और तीसरा मफरूज भूमि। खालसा भूमि था सरकारी भूमि, इस पर सीधे सुल्तान का अधिकार होता था। सार्वजनिक क्षेत्र का भूमि था, सरकारी भूमि था, इसको क्या कहते हैं, गैर मजरुआ भूमि था, जो केवल सरकार देखता था। एकता भूमि क्या था? नगद वेतन के बदले दिया गया दान में भूमि, नगद वेतन के बदले दिया गया दान में भूमि, जो केवल सैनिक अधिकारी और सामंत को दिया जाता था। और मफरूज भूमि, जो अनुदान या दान में दिया जाता था, वैसी भूमि को मफरूज भूमि कहा गया। तीनों का तीनों याद रखेंगे। दिल्ली सल्तनत काल में भूमि को तीन भाग में बांटा गया था। खालसा भूमि, जिस पर केवल सीधे राज्य का अधीन, इससे वसूले जाने वाला पैसा राजकोष में, इसे खालसा भूमि कहा गया। दूसरा एकता भूमि, एकता भूमि किसे कहेंगे? किसी सैनिक अधिकारी या सामंत को वेतन के बदले दान में दी गई भूमि, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, समाप्त कर दिया था। तीसरा था मफरूज भूमि, जिसे दान में दी भूमि, अनुदान में दी गई भूमि को कहेंगे। अब मफरूज भूमि की चार प्रकार था, मफरूज भूमि का चार प्रकार था। बड़ी क्वेश्चन पूछता है भैया, इनाम क्या था? पुरस्कार, कहते ना इनाम में दी गई भूमि को क्या कहेंगे, पुरस्कार के रूप में। पुरस्कार के रूप में दिया गया भूमि को इनाम भूमि कहा गया। निजी चलिए बाबू ध्यान से सुनिएगा, तराइन का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1215 में, 1215 में एल्दोज और इल्तुतमिश के बीच। यहां तक ले लेते हैं, मफरूज भूमि को चार भागे बांटा गया। पहला इनाम भूमि, पुरस्कार में दिया गया भूमि। दूसरा मिल्क भूमि, निजी संपत्ति के रूप में स्वीकृत भूमि को मिल्क भूमि कहा गया। बफ भूमि,
आज भी वक्फ बोर्ड का मसला चलता है। मुस्लिम धार्मिक संस्थाओं को या मुस्लिम धार्मिक व्यक्ति को दान में दी गई भूमि को वक्फ भूमि कहा गया। और चौथा आता है इद्रांत भूमि, इसे किसे कहेंगे? पेंशन के रूप में दिया गया भूमि को इद्रांत भूमि कहेंगे। सुनिएगा, ये सब 100% पूछता है, खासकर बीपीएससी में भी, बिहार दरोगा में भी पूछता है, बिहार पुलिस में पूछेगा। भूमि का प्रकार, खालसा भूमि क्या था? राजकीय भूमि जिसका पैसा राजकोष में जमा होगा। एकता भूमि क्या था? पदाधिकारियों को वेतन के बदले दिया गया भूमि, इकतादार कहलाता था पदाधिकारी, और ऐसी व्यवस्था ऐसी भूमि को एकता भूमि कहेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने बंद कर दिया, इल्तुतमिश ने प्रारंभ किया था। तीसरा आया मफरूज भूमि, जिसे चार भागे बांटेंगे। पहला इनाम पुरस्कार में दी गई भूमि को, जाहिर सी बात है इनाम में मिला है। दूसरा मिल्क भूमि, निजी भूमि को कहेंगे मिल्क भूमि। तीसरा मुस्लिम धार्मिक संस्था या मुस्लिम धार्मिक व्यक्ति को, मुस्लिम मौला को, काजी को इनाम में दिया गया भूमि को बक भूमि कहा गया। और पेंशन में दी गई भूमि को क्या कहेंगे? इदांत भूमि कहा गया, इद्रांत भूमि कहा गया। अब देखो भाई, यहां पर चलते हैं भू राजस्व का निर्धारण। सल्तनत काल में भू रोशन बाबू, चलो ठीक है, भू राजस्व का निर्धारण कैसे होता था? तो चार प्रणाली अपनाया गया राजस्व के निर्धारण के लिए, चार प्रणाली। पहला क्या था भाई? बटाई। बटाई में खेत बटाई, लंक बटाई और रास बटाई। सुनिएगा, बटाई, खेत बटाई, लंक बटाई और रास बटाई। बटाई सिस्टम में तीन प्रकार का सिस्टम था। खेत बटाई में क्या होता था? फसल लगे हुए पौधे को ही बंटवारा करता था कि भैया ई तोरा हुआ, ई तोरा टैक्स के रूप में ले जाओ, ई पौधा तू अपना काट लो, जो करो सो करो। किसान उस पौधा को छोड़कर अपने हिस्सा के फसल को काट के ले आता था। दूसरा था लंक बटाई। लंक बटाई में क्या था? किसान बोझा फसल को काट के खलियान में लाता था और खलियान में पौधा से बिना फसल निकाले हुए, पौधा से बिना फसल निकाले हुए पौधे की बंटवारी, बोझे बंटवारा कर लेता था। और तीसरा हुआ रास बटाई, जिसमें क्या था? पौधा से बिल्कुल पूरी तरह से फसल निकालकर, पौधा से फसल निकालकर उसकी बंटवारा किया जाता था, उसकी बंटवारा किया जाता था। तो सबसे ज्यादा विकसित बंटवारा था रास। खेत बटाई, लंक बटाई, रास बटाई। बटाई के लिए गल्ला बख्शी शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस पद्धति में फसल का बंटवारा राज्य और किसान के मध्य होता था। क्लियर? दूसरा चलते हैं, बटाई में तीन बटाई क्लियर हो गया, खेत फसल पौधा के साथ, लंक पौधा काटकर फसल के साथ, और तीसरा पौधा से फसल निकाल कर किया गया। मुक्तई प्रणाली क्या हुआ? ध्यान से सुनिए, मुक्तई प्रणाली अनुमान के आधार पर कि भाई तोरा इतने खेत हो, हमारा चाहिए इतना तोरा से अनाज, तोरा इतना टैक्स चाहिए, तो इसे क्या कहेंगे? मुक्तई। मुंह से मुक्तई मतलब मुक्तई नहीं कहता, लिखतंग के आगे मुक्तंग नहीं चलता है, लिखतंग के आगे मुक्तंग बकतंग नहीं चलता है। इसका मतलब हो गया लिखतंग हो गया मसाहत, मुक्तंग हो गया मुजबानी, हो गया मुक्तई। मुक्तई में अनुमान आधार पर राजस्व का निर्धारण, आ मसाहत में भूमि के माप के आधार पर भू राजस्व का निर्धारण, जिसकी शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया। कानकुत भी अनुमान के आधार पर ही भू राजस्व का निर्धारण करने वाला एक पद्धति था। तो भू राजस्व का तीन प्रोसेस, चार प्रोसेस, बटाई, मुक्तई, कानकुत और मसाहत। बटाई में खेत बटाई, लंक बटाई, रास बटाई सबसे ज्यादा प्रचलित, रास बटाई। मुक्तय में मुजबानी अनुमान के आधार पर, कानकूत में भी अनुमान के आधार पर, और मसाहत था भू राजस्व को मापी करवाकर निर्धारण कराना। अलाउद्दीन खिलजी ने शुरुआत किया था। हो गया,
भू राजस्व व्यवस्था में चलेंगे। भू राजस्व व्यवस्था में आय का सबसे बड़ा स्रोत भू राजस्व था, जिसके निर्धारण के लिए खराज शब्द का, खिराज शब्द का प्रयोग किए थे। हमने बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने शरीयत के अनुरूप चार प्रकार के कर लगाए थे, पाला बताए थे, जजिया, जकात, खुम्स, खराज। जजिया था जिम्मी से, हिंदू से वसूले जाने वाला सुरक्षात्मक कर। जकात था धार्मिक कर। खुम्स था युद्ध में लूटे गए धन में सुल्तान की हिस्सेदारी। और खराज था मुसलमानों से वसूले जाने वाला राजस्व, टैक्स। और अलाउद्दीन खिलजी ने इसके वसूले के लिए दीवाने मुस्तखराज, दीवाने मुस्तखराज विभाग की भी स्थापना किया था। तो खराज या मुस्तखराज हो गया, खराज। अब प्रारंभ में 1/3, फिर बाद में 1/2, अलाउद्दीन खिलजी ने 1/2 कर दिया, 50 कर दिया। फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने 1/3 किया। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1/2 मोहम्मद बिन तुगलक ने ही 1/3 से बढ़ाकर 1/2 कर दिया था। अब देखो क्वेश्चन पूछेगा, इसके लिए खराज के लिए क्या बताए थे, दीवान ए मुस्त खराज। विभाग की स्थापना किसने किया भाई, अलाउद्दीन खिलजी ने। बहुत अच्छी बात है। दिल्ली सल्तनत में भू राजस्व का निर्धारण हो गया दीवान ए मुस्त खराज के द्वारा। अब देखो यहां पर कुछ कर लिखा हुआ है, कुछ कर लिखा हुआ, चलते हैं। दिल्ली सल्तनत के काल में जो टैक्स था, धार्मिक कर दो प्रकार का था। जकात या मुसलमानों से वसूले जाने वाला एक धार्मिक कर था, और सदका भी एक धार्मिक कर था। जकात भी धार्मिक कर और सदका भी धार्मिक कर। लंक बताई क्या था, बता तो दिए बाबू। आशा और विश्वास है समझ गए होंगे। या फसल लगा हुआ है तो खेत बटाई, खेत में ही कुनिया छोड़ दिया गया। दूसरा, या फसल को काट दिया गया है, उसके बाद दो तीन बोझा को दे दिया गया टैक्स में जो निर्धारण हुआ, और फिर शेष किसान का। यहाँ पर फसल निकाल दिया गया है, यहाँ पर फसल निकाल करके इसे क्या कहे, रास बटाई। सबसे ज्यादा प्रचलित रास बटाई हो गया, सबसे ज्यादा प्रचलित क्या था, रास बताई। आशा विश्वास से क्लियर हो गया होगा। सदका भी एक प्रकार का धार्मिक कर था। सैनिक कर में क्या क्या था भाई, जजिया, जकात, खुम्स, खराज में जजिया और खुम्स था। जजिया सैनिक सेवा के बदले लिया जाने वाला कर, जो गैर मुसलमान या हिंदू से लिया जाता था। और खुम्स क्या था, यह युद्ध कर था। पहले अलाउद्दीन खिलजी से पहले राजा को 20%, मतलब हमने क्या कहा, या जो
युद्ध में लूटा गया धन था, युद्ध में लूटा गया जो धन था, युद्ध में लूटा गया जो धन था। अब युद्ध में लूटा गया धन को क्या कहते हैं? खुम्स कहेंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी से पहले कहा कि 20% राजा का और 80% सैनिक का, 20% राजा का और 80% सैनिक का। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा 80% राजा का, 20% सैनिक का। मकान पर लगने वाला कर घड़ी अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया। चारागाह भूमि पर लगने वाला कर चराई अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने घड़ी कर, चरी कर और जजिया, जकात, खुम्स, खराज, खुम्स क्या था? लूटे गए धन में सुल्तान की हिस्सेदारी। अलाउद्दीन खिलजी से पहले 20% सुल्तान, 80% सैनिक। अलाउद्दीन खिलजी ने 80% खुद रखा, 20% सेना में बांट दिया। हो गया, 20% सेना में बांट दिया। अब देखो, आज हम अब चर्चा नहीं करेंगे। यहां पर कुछ वास्तुकला दिया हुआ है, कुछ वास्तुकला दिया हुआ है, तो एक बार देख लेंगे। हम लोग इसको देख लिए थे पहले भी, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, कुतुबुद्दीन ऐबक, ढाई दिन का झोपड़ा, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन ऐबक। हालांकि इससे संबंधित कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिस, कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिस, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी। लेकिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक कोई निर्माण नहीं कराया, उनके कार में क्षतिग्रस्त हुआ था। निर्माण से संबंधित चार, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिस, फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी, इसकी चर्चा हम लोग कल के क्लास में करेंगे। और कल ही हम लोग विजयनगर की शुरुआत करेंगे। आज से वॉल्यूम 13 का नया सेट आया है, वॉल्यूम 13, जो आप लोग को क्वेश्चन मिल गया होगा, जल्दी से बना लेंगे। थोड़ा सा आवाज भी बैठ गया है और आवाज लग रहा है कि थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहिए। तो चलिए, मौसम चेंज किया, फिर आज खूब काफी गर्मी था, आवाज कुछ लग रहा भारी भारी बुझा रहा है। तो हम लोग फिर मिलते हैं टेस्ट डिस्कशन में 7:50 में। आप तमाम कौटिल्या परिवार के सदस्य को दिल से धन्यवाद। संजीव बाबू, सोनी जी, राघव बाबू, परवेन जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। कल विजयनगर क्लास भी हम लोग चर्चा करेंगे। हंटर आयोग, हंटर कमीशन, हंटर आयोग का क्वेश्चन आएगा, हंटर आयोग जालियांवाला बाग हत्याकांड, और हंटर कमीशन आएगा शिक्षा से संबंधित लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन आएगा, हंटर कमीशन, हंटर आयोग आएगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। चलिए हम लोग फिर बतियाएंगे आगे। जरा सा रेस्ट करने दो। केमिस्ट्री का बैच कब तक चलेगा? वॉल्यूम 13 ले लिया है, चलो भाई वॉल्यूम 13 को आगे चलेंगे।